लोग क्लास टू दिशा विज्ञान पाठ सात हमारा भोजन हमारी शक्ति आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपना किताब खोलिए, विचार करो, सोचो। बड़े जोर से भूख लगी है, तुम अपनी माता जी से कहते हो, भोजन करते ही भूख शांत हो जाती है। जब खेल कूद कर दौड़ कर आते हैं तो थकान होती है, आराम करने से थकान दूर हो जाती है, परंतु कुछ खा पी लेने पर थकान पूरी तरह से दूर हो जाती है। भोजन से ही हमारा शरीर बढ़ता है, इसके लिए भोजन में आवश्यक तत्व होने चाहिए। भिन्न भिन्न पदार्थ शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, शक्ति और ऊर्जा के लिए मन शक्राएँ तथा वसाएँ आवश्यक होती है। शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से बचाने के लिए खनिज पदार्थ तथा विटामिन आवश्यक होती है। भोजन में काम आने वाली अधिकतर वस्तुएं कठोर होती है, उन्हें पकाकर मुलायम बनाया जाता है, कुछ को कच्चा ही खाया जाता है। दाल अवश्य खानी चाहिए, इसमें प्रोटीन होती है। अनाज गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर में मंड और शक्कराएँ होती है। हरी सब्जियों में खनिज पदार्थ बहुत होते हैं, साथ ही विटामिन भी। मांस मछली अंडे आदि में लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। बच्चे आइए हम लोग अब प्रश्न उत्तर देखें। इस तरह से बच्चे हम लोग इस टॉपिक में ये जाने हैं कि हमें किस भोज्य पदार्थ से कौन कौन से विटामिन, कौन से खनिज तत्व और कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे भोजन में। सभी बच्चे यहाँ भोजन के बारे में किस भोजन से क्या मिलता है और हमें कौन कौन से भोजन करना चाहिए जिससे हमें संतुलित आहार प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं।